पुलाव एक ऐसी चीज़ है जो हफ्ते में 2 बार तो बन ही जाती है और पुलाव खाने में मज़ा भी बहुत आता है। आपने बहुत अलग अलग तरह के पुलाव ट्राई किए होंगे, तो आज मैं लेके आई हूँ आलू और मटर का पुलाव। तो आज मैं पुलाव जो है कुकर में बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ पे आप मस्टर्ड ऑयल के अलावा कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल जो है जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। तो यहाँ पे ये देखिए जीरा जो है बहुत अच्छे से क्रैकल कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक तेज पत्ता लिया है, 5 काली मिर्च है, 3 लौंग है और एक छोटा सा दालचीनी का स्टिक है। खड़े मसालों को भी बहुत अच्छे से हम कुक कर लेंगे। 4 से 5 सेकेंड बाद जब ये लौंग जो है फूल जाता है उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हींग 1/4 टीस्पून। उसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ 4 कलियाँ लहसुन की है और 1 इंच से थोड़ा सा कम है अदरक, जिसे मैंने कूट के लिया है। लहसुन और अदरक को बहुत अच्छे से कुक कर लेते हैं। जब लहसुन और अदरक बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं तो उसके बाद आपको इसमें डाल देना है 1 बड़ा प्याज और 1 हरी मिर्च है तीखी वाली। तो प्याज को भी हम हल्का सा कुक कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता। अनियन जो है बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, तो इसे भी बहुत अच्छे से जो है हम कुक कर लेते हैं। तो टमाटर जो है अच्छे से कुक हो जाए उसके लिए मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार भी डाल सकते हैं। तो नमक को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और टमाटर भी अच्छे से यहाँ पे ये देखिए कुक हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, जिसे थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। उसके साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे फ्रेश मटर, 1/2 कप है। इस रेसिपी में आपको फ्रेश मटर ही यूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 12 से 15 पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते ज़रूर डालिएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो एक बार मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आलू की यहाँ पे जो क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि हम आलू मटर पुलाव बना रहे हैं और इस पुलाव में आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया है, ये मीडियम तीखा है। 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिया का पाउडर। और 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पे गरम मसाला। गरम मसाला मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून ही डाला है। इन सभी चीज़ों को फिर से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने यूज़ किए हैं बासमती राइस। राइस को आपको इमिडिएटली धो के डालना है, पहले आप धो के रखें नहीं और ना ही इसे भिगोना है। तो यहाँ पे देखिए मसालों में मैं एक चीज़ यहाँ पे डालना पहले भूल गई थी, वो है 1.5 टीस्पून पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाले का इस पुलाव में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। तो अब मैंने यहाँ पे देखिए राइस भी जो है धो के डाल दिए हैं। राइस को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आपको ज़्यादा तीखा चटपटा पसंद है तो आप यहाँ पे 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं। तो जिस कप से मैंने राइस लिया था उसी कप से मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी लिया है, 1.5 कप पानी। पानी जो है बहुत अच्छे से मेज़र करके डालिएगा, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो चावल जो है खिले खिले नहीं बनेंगे, चिपचिपे बनेंगे। और अगर आपने पानी कम डाला तो पुलाव जो है जल सकता है। तो मैंने पानी टेस्ट किया और उसके बाद थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने इसमें नमक जो है डाल दिया है। मैं हमेशा पानी मिक्स करने के बाद एक बार पानी टेस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं डाल देती हूँ यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितनी कस्तूरी मेथी, तो इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ढक्कन लगा लेते हैं और हाई फ्लेम पे आपको 1 विसल ही लेना है, सिर्फ 1 सीटी ले लगानी है। तो जैसे ही 1 सीटी आ जाती है गैस को आप बंद कर दें और पूरी तरह से जो कुकर है उसे ठंडा होने दें। बिल्कुल भी इसका जो प्रेशर है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए कुकर में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, तब आपको इसका जो ढक्कन है खोल लेना है। ढक्कन खोलने के बाद साइड से बिल्कुल हल्के हाथ से जो राइस है हम इस तरह करेंगे और इसे फिर से 5 से 10 मिनट्स के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। इसका रीज़न ये है कि अगर आप इमिडिएटली इसे मिक्स करोगे ना तो जो चावल है वो टूट जाएंगे। आफ्टर 10 मिनट्स मैं ये जो पुलाव है सर्व कर रही हूँ और आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना अलग दिख रहा है
और चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं है, तो बिल्कुल इसमें जो पानी है वो मेज़र करके डालना है, और एक सीटी से बिल्कुल भी ज़्यादा सीटी मत लगाइएगा, नहीं तो जो पुलाव है वो गल जाएगा। इस पुलाव को आप रायते के साथ या फिर दही के साथ सर्व करें, इसका जो टेस्ट है दुगना हो जाता है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ सैलेड भी ले रही हूँ, और इस पुलाव को मैंने गार्निश कर दिया है हरी धनिया पत्ती के साथ। रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।